हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं केमिस्ट्री वाले सर। एम्स की ओपन कैटेगरी की जो रैंकिंग है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और अपने कॉपी पर लिखते रहिएगा कौन सी रैंक पर। मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब हमारा टारगेट किस पर चलेगा जी? हमने बात कर ली थी पीछे कि अगर 1187 है तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लें। ये देखो, पटना की बात करें 1417, 681 मार्क्स है। सेकंड राउंड में पहुंचते पहुंचते हाईलाइट कर लो इसको। पटना यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, पटना। ये पटना को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे आप अपने रैंक के अकॉर्डिंगली, पटना, ठीक है। 1187 राउंड 1, 685 मार्क्स आपके हैं। इस बार 692-93 नंबर के आसपास ये रैंक आएगी आपकी। तो आप पटना के लिए एलिजिबिलिटी पा चुके हैं। और अगर आप सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड राउंड, तो वहां 1164, 685 मार्क्स बराबर ही है। रैंकिंग का फर्क देख ले, बिल्कुल नंबर का गैप नहीं है और रैंक का अप्रोक्सीमेट 100 का गैप है। अप्रोक्सीमेट 100 का गैप है, ज्यादा कही है। 1187, 1264, 1287 करता हूँ, 100 का गैप तो सीधा आएगा। तो ये जो गैप है, तो आप समझे रखें कि जीरो नंबरों के गैप पे भी 100 रैंक का फर्क है। वो आप जानते हैं कि क्राइटेरिया ओबे करता है एनडीए। और जब मैं आगे पहुंचूंगा तो मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जो मेरे पास पटना है वो 1417, 681, ठीक है। और ये जो मैं बात बता रहा था आपको, रायपुर नागपुर के बाद पटना, पटना हमारा 1417, 681, 628, 680 नंबर, 9644, 1944, 676। तो पटना का फाइनल क्लोज लगभग 2000 रैंक के आसपास हुआ है। 2000 भी मत लिखिए आप, एक एक रैंक से फर्क पड़ता है। 1950 रैंक लिख कर रख लीजिए आप लोग कि पटना में अगर आप एम्स जाना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपको 1950 रैंक के आसपास रहना चाहिए। मंगलागिरी की बात कर ले, 1720 पहले राउंड में रैंक, फिर सिर्फ और सिर्फ 9 रैंक का फर्क पड़ा, नंबर सेम थे। फिर अप्रोक्सीमेट 100 रैंक का फर्क पड़ा और नंबर सेम थे। मोपअप राउंड तक पहुंचते पहुंचते हमें जो मंगलागिरी है वो एम्स मिला, मंगलागिरी एम्स मिला, वो हमें अप्रोक्सीमेट 680 नंबर पे मिला। लेकिन नंबरों को क्लोज करते हैं, आप रैंक अपने दिमाग में बनाकर रखें तो आप सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। लो जी, पंजाब वालों के लिए बठिंडा की बात कर ले, तो बठिंडा 762 अप्रोक्सीमेट आपके नंबर अगर 680 के आसपास है, 679 मार्क्स आपके पास है, तो पहले राउंड में आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में 762 बनाकर रखें। अगर आपकी रैंक 1500, 1600 और आप पंजाब में ही रहना चाहते हैं, आपकी रैंक 1700-1800 के बीच में, पंजाब में रहना चाहते हैं, तो पहले राउंड में अप्लाई कर दीजिएगा, बठिंडा आपको मिल जाएगा। फिर आपको लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गई है क्योंकि 762 के आसपास पहले राउंड में मिला, तो इस बार भी अप्रोक्सीमेट मिल जाना है। अगली बार जाते आते ये 3 नंबरों के गैप पे अप्रोक्सीमेट 200 रैंक का फर्क पड़ गया, लेकिन 676 में हमारे हाथ में मामला आ गया। फिर ये लगभग 50 रैंक का फर्क पड़ा, लेकिन नंबरों का फर्क नहीं पड़ा, तो अप्रोक्सीमेट हमें 676। और हुआ क्या था, पिछली बार एनटीए ने सब कुछ बंद करने के बाद एक स्ट्रे के बाद फाइनल स्ट्रे और खोला था, तो इनको लेकर आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा। कई बार होता क्या है कि गड़बड़ जाती है सीट्स, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, तो मजबूरी में एक दो सीट जो इधर उधर हो जाती है, कोई बच्चा ड्रॉप कर गया, कोई बच्चे के दिमाग में कुछ आ गया, वो सीट फिर ये वापिस एनटीए को क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, फिर भरी जाती है सीट। तो वो सीट एक्चुअल में इनको देखकर आप ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा, कोई चांस नहीं है, क्योंकि 15114 रैंक पे आपको बठिंडा एम्स मिलेगा। मेरे को कहीं नहीं लगता, आप वेट भी नहीं करता बच्चा, मोपअप राउंड के बाद तो मोस्टली वेट नहीं करता। तो अगला टारगेट हमारा कल्याणी, गोरखपुर और राजकोट होने वाला है।